गया। मौज कर दी बेटे। जो हम अभी देख रहे हैं ये शेफर्ड हाउसेज है। तो जैसे हमारे गाइड साहब ने बताया, ये 6 मंथ्स के लिए यहाँ रहते हैं समर्स में, और उसके बाद वो माइग्रेट कर जाता है 6 मंथ्स के लिए बारामूला करके एक जगह है थोड़ा प्लेन में। तो ये आते हैं समर्स में और यहाँ पे भेड़ बकरी चराते हैं अपनी, एंड बहुत ब्यूटीफुल है दिखने में, बट अभी ऐसा लग रहा है डेजर्टेड। सो देयर टू स्टेज, वन हियर एंड वन इन। टकरा गए, टकराते हैं नहीं, ये वाला टकराया स्पेशल, वो वाला बढ़ गया। उल्टा चले जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं जाओगे, दिमाग भैया उल्टे चले गए थे अभी। तो इस चैप्टर का नाम है चंदोला इन गंडोला, जस्ट फॉर द राइमिंग वर्ड प्ले। भाभी जब ये वीडियो देखेगी आपको बहुत मारेगी। मैंने इसीलिए उसका सरनेम नहीं चेंज करा, शर्मा ही रखा। मतलब कुछ ऐसा मालिया होता, कुछ बड़ा सरनेम होता, अंबानी अंबानी, तो समझ चंदोला क्या रखना। मैंने बोला ठीक है बढ़िया। एक गजब, दूसरी जगह आ गए हम, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। कितनी फोटोज ले लो, कितनी वीडियोस बना लो, कुछ कर लो, जो आंखों से देखोगे वो नहीं मिलने वाला। गजब, अब ब्यूटीफुल लग रहा है एकदम, मजा आ गया। टेंपल देखना है, सबको ये उसमें पता अरे पीछे फॉलो करते हैं, एक टीम का पूरा ध्यान से फर्स्ट टाइम स्कीइंग करना चाहते हैं, स्कीइंग पॉइंट पे आप कर सकते हो आराम से। उसके बाद चलिए आगे, चलो जो भी करना है अपने मन से करो, ठीक है सर। तुम ये देखते रहते हो कौन ना, वो देखिए पैक से ऊपर है। तो वहाँ नहीं जा सकते हम? नहीं, बंद हो गया सर, आज तो वहाँ पे जाने का फायदा नहीं है सर, बर्फ याद है सर, वो समर के लिए बेटर है सर। लोग तो जा रहे होंगे शायद, टिकट जो होता है ना ऑनलाइन जिसके साथ, अगर आपको टिकट साथ में है तो फिर आप जा सकते हैं। टिकट अच्छा, उसका अलग होता है, इसका अलग होता है। अच्छा, नेक्स्ट लेवल जो सेकंड फेज है वो ऊपर तक है, वहाँ तक, वहाँ बादल लगे हुए एकदम, बहुत मेहनत के साथ बनाया गया काम है। आप यहाँ पे स्लेज के मजे ले सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं फॉर द बिगनर्स एंड फॉर द एक्सपर्ट बोथ, और स्नो स्कूटर्स में जा सकते हैं। हम तो जा रहे हैं स्नो स्कूटर्स की तरफ, अभी एकदम बढ़िया धूप भी आ गई है, अभी तक थोड़ा क्लाउडी था, सब मजे कर रहे हैं, टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। वीडियो ऑफ थॉर चीनू गिर के उठ भी गए।
चलिए इसमें रहो ना, इसमें फ्रेश में ऐसे। अच्छा, कितनी गिरोगे? ऐसे भी गिर सकते हो अगर जबरदस्ती का माने तो। पिछला हिस्सा ऐसे डालो, ऐसे करोगे और ऐसे गिर जाओगे। वहाँ से यहाँ पहुँच गए विद इन मिनट्स। यहाँ से दिख रहा है व्यू, नीचे रह गया गुलमर्ग, व्यू बहुत प्यारा है। मलिक भैया मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। मलिक भैया वाज स्केर्ड। चलते हैं चीनू भैया से पूछते हैं उन्हें कैसा लगा। पंकज दा तो बैठ चुके हैं एकदम ऑलरेडी बाइक में। चिनू भैया मजा आया? बहुत ही अच्छा एडवेंचर है, बस कान और नाक ऐसे ठंडे हो गए ना। ये हेलो, क्या हाल है? बढ़िया, आया स्वाद आ गया, मजा आ गया, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। स्कूटर में जाना बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था,
मतलब स्लेज या स्कीइंग से तो बहुत ही बेटर मैं ये कह सकता हूँ। बाकी हमारी टीम को भी मज़ा आया है, बहुत ज़्यादा वीडियो फोटो सब रॉक कर दिए, पेंट भी गीली हो गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितनी भी फोटोज ले लो कितनी भी वीडियोज ले लो, मन नहीं भरने वाला बिल्कुल। भैया फिसलने की तैयारी कर रहे हैं मेरे बगल में, और मैं बहुत गिरा हुआ आदमी हूँ, यहाँ चार बार गिरा हूँ। तो खैर जोक्स अपार्ट, बट कितनी भी फोटोज ले लो, कितने भी वीडियोस ले लो, आप जो है थकोगे नहीं। मैं आया हाँ बिल्कुल आया। और एक और चीज़ है, यहाँ पे जैसे ही आप जम्मू बॉर्डर से एंटर करते हो अंदर, आपके सिम बंद हो जाते हैं अगर पोस्टपेड नहीं है तो नेटवर्क वैसे भी नहीं है, तो डिस्टर्बेंस भी नहीं है, अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। तो मतलब इंजॉय करना है तो बढ़िया है एकदम। तो ऐसा करना चाहिए आपको, या तो पोस्टपेड सिम खरीद लो, या ऐसा दोस्त पकड़ लो जिसके पास पोस्टपेड सिम और उसके पास द लेटर। मुझे इससे लेके गया क्योंकि मेरे पास पोस्टपेड सिम था, मुझे सब पता है। क्या जी? नहीं नहीं बस टाइम टू गेट बैक। मेरे बगल में जो ये वाला है गंडोला सिस्टम, ये पुराना है, उसमें ऐसे बैठ के आते थे ऊपर हवा खाते हुए मस्त एकदम, और अब तो पैक्ड हो गया एकदम। अब हम जा रहे हैं वापस, एक गंडोला में बैठेंगे और वापस पहुंच जाएंगे गुलमर्ग। गर फिरदौस बर रूहे जमीयस, अमीयस तो गलत नहीं गया ये स्टेटमेंट, एकदम सच है।